ऐसी मांग है कि एलपी का वेकेंसी जो लोको पायलट ड्राइवर की जो वैकेंसी निकालती है रेलवे सरकार, उसने मात्र इसका 5500 वैकेंसी दी है। मात्र पूरे लगभग पूरे भारत में 21 जोन है, बिहार में मात्र 38 का सीट है और हम सब बिहार में 20 लाख है, कैसे होगा? और पिछला जो वैकेंसी आया था 2018 में आया था और ये वैकेंसी आ रहा है 2024 में और वैकेंसी कितना आ रहा है? मात्र 5500 वैकेंसी आ रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग में यही है कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, 5500 को 55000 किया जाए। जी हाँ, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं। बट पुलिस 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्या हुआ? नहीं, हम लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने हमारे लिए मतलब 9 साल 2018 से ओनली 6000 वैकेंसी निकाला है एलपी के, उसलिए हमें 80000 प्लस वैकेंसी चाहिए। लोको पायलट और टेक्नीशियन की 80000 प्लस वैकेंसी चाहिए। अब तो सरकार भी बदल गई है, राम राज आने वाला है, तो क्या लगता है राम राज में आप लोग? राम राज को हम भी मानते हैं, हमें भगवान से कोई नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। किस सरकार से मांगे? हम केंद्र सरकार से मांगेंगे। हम केंद्र सरकार से हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोजगार तो दे रही है केंद्र सरकार, तो बोल रही है कि हर साल रोजगार दे रहे हैं। दो करोड़ लोगों को 6 साल में 6000 नौकरी लगा रखा है। क्या क्या करके बोलिए आप लोग? 6 साल में 5500 नौकरी, मात्र एक साल में 900 नौकरी देने का काम किया सरकार। 2018 से लेकर 24 तक मात्र 5500 रेलवे में नौकरी लाने का काम किया। हम लोग का मांग है कि 60000 एलपी के वैकेंसी होना चाहिए। टेक्नीशियन 60000। देखिए साथ में जो है इंडिया का फ्लैग लेके भी झंडा लेके भी लोग आए हुए, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? क्यों इस वक्त इस तरीके से? हम लोग का वैकेंसी बढ़ा दें, बस यही हम लोग का गुजारिश है और कुछ नहीं। अगर वैकेंसी बढ़ाते हैं तो हम लोग रोड पर नहीं आते। आप देखिए आपके ही बेटी जैसी ये बेटी है जो कि यहाँ रोड पर बैठी है। आप अपने बेटी जैसा रेल मंत्री और प्रधानमंत्री सोचिए कि कहाँ आपके देश का। आप जब आए थे तो क्या बोल के आए थे? हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। आप मात्र हम लोग का शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था, ऐसे में हमारी मांग है सिर्फ रेलवे में जो वैकेंसियां है उसको बहाल किया जाए। तमाम रिक्त पद जो है जो खाली पड़े हैं उस पे रिक्त पद की नियुक्ति हो। आप देख लीजिए अभी शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन प्रशासन का जिस तरीके से तानाशाही रवैया रहा है उसके बावजूद सड़कों पे छात्र और छात्राएं इकट्ठा है, क्योंकि मोदी जी केंद्र सरकार में जब आने से पहले साल में 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, आज 18 करोड़ नौकरियां हो गया है। आज जब अपने हक अधिकार के लिए, रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए आवाज को जब सरकार से जब पूछते हैं तो सरकार पीछे ढकेलने का काम करती है और तानाशाही रवैये से हमें हमारे आवाजों को रोकने का प्रयास करती है। आज गांधी जी का शहादत दिवस है और इस शहादत दिवस में हम ये संकल्प लेते हैं कि जब तक हम लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। आप 2 साल तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए? अपनी मांग सरकार पास रख रहे हैं, सरकार हमारी बात नहीं मान रही। कोई भी मीडिया, कोई भी नेशनल मीडिया हम लोगों की हम लोग नहीं दिखा रही है, कोई भी नेशनल मीडिया नहीं आई है। आज 3 दिन हम लोग लाठी खा रहे हैं। आगे प्रसाद लाठी क्यों चार्ज कर रही है? क्यों हम क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? हम अपनी मांग सरकार तरफ रख रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? प्रसाद हम लोग लाठी चार्ज कर रही है, यहाँ भगा रही, वहाँ भगा रही, यहाँ भगा रही। हम लोग शांति प्रिय तरीके से सरकार से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आगे सरकार हम लोगों से अपनी बात क्यों नहीं मान रही है? सरकार 3 बार मीटिंग होने के बाद, सारे टीचर 3 बार मीटिंग होने के बाद सरकार नहीं सुन रही है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम लोग यूपी से इलाहाबाद प्रयाग से जी यूपी से आए, हम यहाँ 2 साल तैयारी कर रहे हैं रेलवे की। बिहार से है मैम, बिहार से है। देखिए यूपी वाले भी है और बिहार वाले भी है, मतलब कि पूरे इंडिया से अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। और जो है 700 लोग, क्या कहिएगा? ये इधर तो नेशनल न्यूज कहाँ है? इधर आइए, नेशनल न्यूज कहाँ है? इधर आइए।
है। आज नेशनल न्यूज कहाँ है जो कि हम लोग की बातों को सरकार तक पहुँचा सके? सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, नेशनल न्यूज लोग कहाँ है? हम लोगों की बात क्यों रखेंगे, विद्यार्थियों की बात क्यों रखी जाएगी? वैसी बात रखी जाएगी जिस पर राजनीतिक रोटी सेका जाए, वो बात रखा जाएगा जिससे बीजेपी को फायदा हो, हम लोगों का फायदा नहीं देखा जाएगा। ये इतने हजारों हजार विद्यार्थी मान रहे हैं कि मैं इससे मीडिया आप लोगों की बात को नहीं उठाती है, नहीं दिखाती है, बिल्कुल नहीं दिखाती है, बिल्कुल नहीं। हमारे विद्यार्थियों का शोषण किया जाता है, बिल्कुल शोषण इन विद्यार्थियों का होता है, फिर भी हमारी बात को नहीं उठाई जाती। हम लोग का जो आवाज होता है वो दब जाता है, जैसा ना भारत, और उसी को बात को दबाया जा रहा है, उसी को हत्या किया जा रहा है। ये लोकतंत्र में कैसा अपराध हो रहा है, लोकतंत्र अपराध होने जा रहा है, तो देखिएगा। क्योंकि विद्यार्थी जहाँ रहेगा ना, उसी की सरकार बनेगी, जो विद्यार्थी का सुनेगा उसका सरकार बनेगा। हम लोगों को कोई भी कैलेंडर जारी नहीं करता है कि कब एग्जाम लेंगे, कब क्या करेंगे, कोई कैलेंडर जारी नहीं करता। हम लोग 6 साल से पढ़ रहे हैं, 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं दिया है, और 6 साल के बाद मात्र 5,500 वैकेंसी। उसके मंत्री अश्विनी वैष्णव जी सदन में खड़े होकर के बोले थे कि हमारे पास 2.5 लाख से ज्यादा सीट खाली है। क्या आप काउंटिंग भूल गए अश्विनी वैष्णव जी कि 2.5 लाख जो है 5,500 के बराबर? रेलवे में जितना वैकेंसी खाली है हम उसको वैकेंसी को निकालिए, यही मांग है। रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, जो आप पहले देते थे ना उतना ही दे दीजिए, जो पहले आप देते थे 60,000-70,000 उतना ही दे दीजिए। हम 18 में 54,000 वैकेंसी आया था, 64,000 उतना ही आप दे दीजिए। हम लोग पढ़ने वाले लड़का है, आंदोलन करने पर हम लोग को मजबूर किया गया है, हाँ तभी हम लोग आए हैं। सरकार आप लोग की बात मानेगी? माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी सरकार। गांधी जी जिस तरह आंदोलन किया था उसी तरह हम लोग आंदोलन करेंगे। गांधी जी के रास्ते पर चल के गांधी का देश है। गांधी जी को बहुत जो है सहना पड़ा था, आप लोग कर पाएंगे? मार खाएंगे, जेल जाएंगे, कल भी मार खाए हैं, आज भी मार करेंगे, कल पुलिस ने पटना मारा, फिर भी हम इंक्रीज नहीं होता है जब तक हम लोग रहेंगे यहीं पे बैठे हुए, हम लोग यहाँ बैठे हुए यहीं पे बैठे रहेंगे, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होता तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग पड़ता अनिश्चित काल प्रदर्शन करेंगे। आपको पता है एक तरफ तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया गया, दूसरी तरफ आप जनता लोग तो सड़क पे है, बिहार का तख्ता पलट चुका है, बिहार में एनडीए आ गया, तो क्या लगता है आप लोग का जो मसला है हल होगा? देखिए मैडम, हल तो जरूर होगा, ये समझिए कि आप सोचिएगा कि सरकार आ जाएगा, आ गया है तो हम लोग कुछ कर देंगे, तो ये नहीं होगा। आप लोग खुश नहीं है, राम राज आ रहा है। और राम राज नहीं, राम राज नहीं, राम राज सुने ना, नहीं राम राज भी चाहिए, रोजगार राज भी चाहिए, राम मंदिर भी चाहिए। नहीं देखिए, कहने का मतलब है कि राम राज लाइए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हम भी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन रोजगार चाहिए, हाँ रोजगार चाहिए ना। राम मंदिर बना दीजिएगा, अगरबत्ती जलाने का पैसे नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब ये पिछले चुनाव की बारी था तो उस टाइम 27,000 वैकेंसी दी थी, कांग्रेस की सरकार में क्या था कि हर 2-3 साल पे 30,000 वैकेंसी आती थी। जब से हमारे बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने अपने
पहला कार्यकाल में मात्र 27,000 वैकेंसी दी थी, जो कि कुछ ही दिनों में वो 64,000 हो गई थी। चलिए ठीक हुआ, वो हम छात्रों की बात माने और वो वैकेंसी को 64,000 कर दिए। लेकिन इस बार क्या है, इस बार वैकेंसी छः साल बाद आ रही है और आई कितनी है, मात्र 5600 आई है। हम तो जानते थे कि ये सरकार किसान विरोधी थी, लेकिन अभी छात्र, अभी ये सरकार छात्र विरोधी भी हो गई है। क्या क्या कहेगा, झंडा लेके क्यों आप लोगों को मजबूर होना पड़ा? असनवी बसनवी 3,00,000 पोस्ट खाली है, हम लोग अधिकार मांगना चाहते हैं। वैकेंसी झंडा हाथ में रहेगी तो सरकार लाठी चार्ज नहीं करेगी। एलपी का वैकेंसी जान दे देंगे, लेकिन नौकरी अपने हक के लिए, हक के लिए, अपने हक के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक ना, एलपी का वैकेंसी बढ़ाया जाए, टेक्नीशियन ऐड किया जाए। झंडा लेके आप लोग क्यों? झंडा हमारा सहारा है, यही तो हमारा सहारा है बचने का एक मात्र। झंडा हमारा सहारा है। तेरी तरह से ही साफ तौर पे कह रहे हैं केंद्र सरकार की जो उनका हिटलर वाला रवैया हो गया है, मोदी जी का हिटलर वाला रवैया बन चुका है। नहीं लग रहा, जानते रहे हिटलर ने क्या किया था? ये धर्म की राजनीति करते हैं और वही यहाँ पे अब मोदी मोदी काटना चाहते हैं। धर्म पर दो आदमी को, व्यक्तियों को बांट देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। आप विकास का कुछ नहीं करते, आप लोग दे रहे भाई इनको 10 साल से वोट नहीं दिया जाता है, वो जुमलाबाजी करके करते हैं, वोट नहीं उसको मिलता है। 5,000 देखे, जितना भी हम लोग 4 या 5 साल से हम लोग स्टूडेंट जो है रेलवे की तैयारी कर रहे थे, वो लोग तो अब फंस चुके हैं, सब तैयार के अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर चुके हैं। केवल हम लोग वैकेंसी का वेट कर रहे थे, कब आए हम लोग, कब फॉर्म अप्लाई करें। बस ये समझ रही है वो सरकार कि अब तो हम दे दिए 5,000, उसी में सबको तो भरना होगा। अब वो जो है इलेक्शन भी है, अब सब बच्चा एग्जाम, मतलब जो एग्जाम लेके जो है एक CBT 1 भी करवा लेगा, CBT 2 के लिए हम लोग रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जब तक कम से कम इलेक्शन ना हो जाए तब तक ये दूसरा वैकेंसी भी नहीं देगी। ये देखिए पटना कारगिल चौक का माहौल दिखा रहे हैं स्टूडेंट से जो भर चुके हैं। साफ तौर पे इनकी मांगी है वैकेंसी, जो रेलवे का नौकरी के लिए वैकेंसी की मांग है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि 5 साल हो गया है लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रहा है, लोग काफी परेशान है। काफी और गोदी मीडिया कह रहे हैं कि उनसे नाराज है, जितने भी नेशनल चैनल वाले आए हैं उनको मार करके भगा दिए। कह रहे चैनल वाले भी जो है भाजपा सरकार की गुणगान गाती है, उनकी जो समस्या होती है उनको नहीं दिखाती है। क्या कहिएगा भैया, क्या कहिएगा? अरे मेरा वैकेंसी 6 साल से वैकेंसी नहीं है, और पटना के लिए 38 वोट आता है, 38 को वैकेंसी आता है। 6 साल में 38 ही सीट खाली हुआ है पटना में, हर जगह सीट खाली है और वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वैकेंसी को बढ़ाया जाए। प्रशासन सरकार दबा रहा है, सरकार आप लोग सरकार अब चेंज हो गई है, एनडीए की सरकार है। एनडीए तो गांव में होता है, तो बोल रहे हैं राम राज, राम राज, राम राज नहीं चाहिए हमको, राम राज है ना, यहां भी राम राज। पहली बात तो कोई अपोजिशन का बात मत करिए, कोई भी पार्टी से हमको मतलब नहीं, हम लोग छाते हैं, हम लोग का रोजगार चाहिए। क्या लगता है आपकी बातों को कौन सुन सकता है? नरेंद्र मोदी सुनेगा, केंद्र सरकार नहीं कैसे सुनेगा? सुनना पड़ेगा। जब तक कैसे सुनेगा, रोड पे बैठेंगे, रोड पे नहीं कैसे सुनेगी। हम लोग का ट्विटर पे ट्वीट ब्लॉक कर दिया जा रहा है, हम लोग का ट्वीट ब्लॉक कर दिया जा रहा है, 21 लाख ट्वीट ब्लॉक कर दिया जा रहा है, 21 लाख ट्वीट किया गया, फ्री ब्लॉक कर दिया गया। हम लोग का मांग है कि 1 लाख वैकेंसी दिया जाए एलपीएन टेक्नीशियन में, 1 लाख प्लस वैकेंसी जो 6 साल से अभी तक नहीं आई है वो देना चाहिए। राष्ट्रभा में बोले हैं अश्नवी वैष्णव जी, मेरे पास 3.5 लाख रेलवे का वैकेंसी खाली है, वो जल्दी से जल्द आए प्लस में ग्रुप डी NTPC सारा का वैकेंसी और सबका कैलेंडर जारी। मोदी मीडिया आ गया तो उसको चाम खींच लेंगे, देश गुलाम के करार पर चल गया मोदी को, चमचा बन के सोया हुआ है घर में। मोदी मीडिया का भी भगाया गया है मार के, हम लोग का जब जिंदगी बर्बाद कर रहा तो क्यों नहीं लेंगे? गुस्सा में 5 साल बेरोजगारी के दर में हमने लिट्टी चोखा खा कर पटना में दाल रोटी खा कर आ रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आज से नहीं है।